देश की अग्रणी परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली है। बता दें कि इस संबंध में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की थी। दूसरी बार सीजीआई की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि फिर से परीक्षा होगी या नहीं। वहीं अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए सरकार, सीबीआई और छात्र से इस मामले में कुछ सवाल के जवाब मांगे थे। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से यह भी पूछा था कि प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित रखा गया था, उसे कैसे एग्जाम सेंटर तक भेजा गया और संभावित लीक कैसे हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में अपने हलफनामे दाखिल करने को कहा गया था। देखिये, हमारे पिटीशन पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और यूनियन गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे हैं कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसमें कैसे पेपर लीक हुआ, और उनको सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है कि ये पेपर कैसे लीक हुआ, इसको कब, ये जो है आपने किस दिन पेपर आपने भेजा है, कब बैंक में आपने जमा किया है और उसके बाद कब आपने ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन सारी चीजों पे जानकारी मांगी है। उसके अलावा आपने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसकी डेटा एनालिसिस के लिए भी कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि जांच की प्रगति और कथित पेपर लीक के प्रभाव की सीमा से कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो अंतिम उपाय के रूप में दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाएगा। सीजीआई का कहना है कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा के आदेश देना होगा। यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। चारों की तरफ इस मामले में जवाब दाखिल होने के बाद आज दोबारा सुनवाई होनी है। बता दें कि नीट परीक्षा में तकरीबन 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि वह नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि वह यह तय कर रहे हैं कि 23 लाख परीक्षार्थियों पर अप्रमाणित आशंकाओं को आधार बनाकर दोबारा परीक्षा का बोझ न डाला जाए। यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जाए। केंद्र सरकार ने एनटीए द्वारा पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रभावी उपायों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन करेंगे। अब ऐसे में परीक्षा और रिजल्ट पर होने वाली इस सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। videodex@amarujwala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।